पुरुषोत्तम मास के आज के दूसरे दिन हम पुनः एक बार कुछ अध्यात्म का चिंतन करने के लिए साथ हैं। मानव जीवन के उत्तम लक्ष्य को और महानता को हमने जाना, वास्तविकता भी मानव जीवन की हमने पहचानी। अब जब वर्तमान समय को हम देखते हैं कि वर्तमान में जीवन की वो श्रेष्ठता हम सब के पास रही नहीं है, हम सब चाहते हैं कि जीवन कंप्लीट हो, संतुष्टता भी हो, समृद्धि भी हो, सुख भी हो, सम्मान भी हो, आवश्यक साधन भी हो, परंतु कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। और आज के समय में कहते हैं कि अभावों से तो व्यक्ति इतना दुखी नहीं होता जितना स्वभाव से दुखी होता है, चाहे अपना चाहे औरों का। परंतु इन सब का हल तो एक ही है कि आत्मिक शक्ति को हम बढ़ाएं। आत्मा के बल को बढ़ाने से हमारे कर्मों के हिसाब किताब भी सहज पूरे होते हैं, और जब तक ये कर्मों के हिसाब किताब बाकी रहते हैं तब तक ही कभी मनमुटाव तो कभी शारीरिक व्याधि तो कभी अन्य समस्याएं जीवन में आती रहती है। और इन सब के लिए हमें परम शक्ति परमात्मा से आत्मा में ऊर्जा भरने की आवश्यकता है। अध्यात्म कहता है परमात्मा जो हम सब के रचयिता है, वो तो है ही दाता, वो तो सदैव अपनी शक्तियां शांति प्रेम बिखेरते ही रहते हैं, परंतु आवश्यकता है उनके साथ कनेक्ट होकर और अपने में उनकी उन शक्तियों को भरने की। आज व्यक्ति परमात्मा को याद करने भी बैठता है तब भी उसका मन स्थिर नहीं होता, क्योंकि उसे परमात्मा का भी तो सत्य परिचय नहीं है। कहानियों में सुना है, शास्त्रों में सुना है, पूर्वजों ने कहा है, बचपन से पूजा पाठ आदि करते आए हैं, परंतु अनुभव कहाँ? उस अनुभव को संजोने के लिए एक पैरामीटर तो चाहिए। परमात्मा जैसे गीता में भी कहते हैं, मैं जो हूँ और जैसा हूँ मैं स्वयं ही बताता हूँ। तो इस पुरुषोत्तम मास में हम स्वयं को उत्तम बनाने के लिए उस पुरुषोत्तम बनाने वाले परमात्मा को भी ठीक से पहचाने। सारे विश्व का आदि पिता रचयिता और सर्व का कल्याणकारी पतित पावन वो एक निराकार परमात्मा है। अनेक देवी देवताओं को, अनेक धर्म स्थापकों को भी जिनसे ही शक्ति मिलती है वो एक ही शक्तिदाता है। आदि शंकराचार्य जी ने भी उसी शिव को सनातन धर्म का भी मूल बताया, उसी निराकार को मुस्लिम धर्म में भी अल्लाह के रूप में, किसी मूर्ति के रूप में नहीं, एक शक्ति के रूप में, एक ज्योति के रूप में मान्यता मिली है। हर धर्म कहीं ना कहीं निराकार को और ज्योति को महत्व देता है। उस निराकार परमात्मा की ही सारी सृष्टि रचना है, और जब हम उस रचयिता से संबंध के साथ जुड़ते हैं तो प्राप्तियां अपने आप हमारे जीवन में आती है, क्योंकि जहां संबंध है वहां प्रेम है, सहज ही कनेक्शन होता है और संबंध में अधिकार से प्राप्तियां भी होती है। हम परमात्मा को आज तक कहीं दूर की कोई रिश्ते की बात की तरह याद करते आए, हे प्रभु मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारे चरणों का दास हूं, थोड़ी सी कृपा कर दो, ऐसे या तो डर के मारे, प्रभु नाराज मत होना, मुझे सजाओं में न डालना, मुझे दुख से बचाना आदि कह के हम पुकारते आए। परंतु परमात्मा ने कहा है तुम तो मेरी संतान हो, तुम मेरे जैसे ही हो और तुम मेरे बहुत करीब हो, बस तुम अपने आप को जागृत करके मेरी श्रीमत पर चलो तो मैं तुम्हें सभी पापों से दुखों से दूर कर दूंगा, तुम्हें सुख का मार्ग बताऊंगा,
बस तुम उसको फॉलो करो। तो हम सभी परमात्मा की श्रीमत, जिसकी श्रीमत भगवत गीता भी बनी है, उसे समझें। परमात्मा स्वयं इस पुरुषोत्तम काल में, जिसको कहते हैं कलयुग का अंत, सतयुग की आदि, इस समय ही पुरुषोत्तम समय चल रहा है। जैसे कहते हैं कि 12 महीना तो हर साल होते हैं, परंतु हर तीसरे साल ये एक अधिक मास मिलता है। वैसे ही 4 युगों को तो सभी जानते हैं, परंतु कलयुग अंत में आता है, कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग, जो कि सतयुग की स्थापना से पहले सतयुग की पुनर्स्थापना की तैयारी के लिए है, हम सब के परिवर्तन के लिए, सृष्टि को पतित से पावन बनाने के लिए है। इस संगम युग को तो वही जाने जो परमात्मा की ज्ञान को जानता है। संगम युग आत्मा को उत्तम बनने की सभी वो विद्या, ज्ञान, योग उपलब्ध कराता है। सहज रूप से हम परमात्मा से इस ज्ञान को प्राप्त कर और अपने को सर्वप्रथम तो ब्राह्मण बनाते हैं, अर्थात जीते जी हमारा दूसरा जन्म होता है, जैसा कि संस्कृत में ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। दूसरा जन्म अर्थात ज्ञान का, ज्ञान की जागृति होना, यह जीवन में पुनर्जन्म जैसा होता है। व्यक्ति अज्ञानता से जब बाहर आता है, उसे लगता है कि मैं आज तक क्या कर रहा था, अब मुझे समझ में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आइए हम सभी भी इस संगम युग में आत्मा की जागृति करें, परमात्मा को पहचाने, न केवल पहचाने, उनके साथ अपना दिल का रिश्ता जोड़े, वो माता पिता बंधु सखा सतगुरु स्वामी मार्गदर्शक सभी रूपों से हमें साथ देते हैं। उस निराकार की ही महिमा है कि वो सभी के साथ है, वो सर्व संबंध में है, वो न्यारा भी है और सर्वोच्च भी है, वो सर्वशक्तिमान भी है, सर्वज्ञ भी है और सभी का कल्याणकारी होने के नाते वो कलयुग के अंत में अवतरित होकर पुनः सतयुग के लिए हम सबको ले जा रहे हैं। समय है उनकी उंगली पकड़े, अर्थात उनकी मत पे चले, अपने आप को व्यर्थ के और गंदे विकारों से मुक्त करें, पवित्र बने, योग और ध्यान से अपनी शक्तियों को बढ़ाएं। तो यह समय की डिमांड है, जो जागृत रहता है वही आज के समय में सफल होता है, क्योंकि आज का समय बहुत चैलेंजिंग टाइम है। प्रतिपल परिस्थितियां बदल रही है, अचानक प्रकृति के, शरीर के, व्यक्तियों के अनेक समस्याएं, प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। अगर हम जागृत होंगे, अगर हम आंतरिक रूप से परमात्मा से जुड़े होंगे, सशक्त होंगे, तो हम कहीं भी धोखा नहीं खाएंगे, लापरवाही में हम हार नहीं जाएंगे। तो आइए आज दृढ़ संकल्प करें कि हम परमात्मा को ठीक से पहचानेंगे, प्रतिदिन उनके साथ कनेक्शन रखेंगे, आत्मज्योति को जागृत करेंगे, तभी यह पुरुषोत्तम संगम युग, जो वर्तमान कली काल का अंत और सतयुग के आगमन की प्रतीक्षा में बीच का समय है, यह सफल होगा। कुछ और बातें पुरुषोत्तम संगम युग की कल जानेंगे। ओम शांति।